टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सर हुआ कुछ यूं, आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शंस होंगे, आपने एक ऑप्शन उसमें से चुन लेना है, तीसरा ऑप्शन आप नहीं दे सकते। अच्छा। और जब हम आपसे कहेंगे तो आपने वो अपना जवाब जस्टिफाई करना है कि नहीं, तो अगर दोनों को ही, अगर दोनों को ही नहीं चुनना तो फिर मैं क्या करूंगा? दोनों में से एक चुनना है ना, तीसरा दीवार में नहीं चुनना है ना, सिर्फ चुनना है। हाँ तो एक को चुनना है, चुनने का ऑप्शन अपने दोनों का ना दे देना दीवार में। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये पीछे दीवार बड़ी खूबसूरत है, हम आ ही नहीं सकते इसमें, मैनेज नहीं हो पाएंगे। चल यार जी कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है जी। ड्रेसिंग अप या फिर कैजुअल लुक कौन सी पसंद? कैजुअल। कैजुअल रहती है, ठीक है। मैंने तो आपको कैजुअल भी देखा है, तो हमसे बेहतर ही लग रहे होते हैं हमेशा। लानत है तुम्हारी शक्ल। ओह सॉरी, इसका मतलब अपने आप को बेहतर करो। आई एम सॉरी, ये मैंने अपने साथ खुद किया है, मैं इसका जिम्मेदार खुद हूं। आई एम रिस्पांसिबल फॉर ऑल माय एक्शंस। यू नो व्हाट माय कैजुअल इज, आई स्वेयर, आई मेरी मेरे पास कोई 20 काली टी-शर्ट्स हैं। ठीक है, 20 या 25-30 काली टी-शर्ट उसी टीम में से। ठीक है, वो काली टी-शर्ट होती है और ग्रे पजामे जो है ना मेरे पास, वो होंगे तकरीबन 10। तो ये मेरा कैजुअल है, ग्रे पजामा और काली टी-शर्ट। ऑलवेज आसान है ये, मुझे आसान है। वेरी गुड, ठीक है जी। रिस्पेक्ट या पावर? रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर्स या पॉजिटिव कैरेक्टर्स? बोथ। नहीं सर, बोथ का तो सीन नहीं है ना, एक हमारे ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है जी। टीवी या फिर फिल्म? फिलहाल टीवी। टीवी, ओके। डॉग्स या फिर कैट्स? आपने उधर ये मुझे नहीं, नहीं मैं ऐसे पूछता हूँ खाली। I love dogs. I have two dogs. Oh wow. At my home, I love. क्या नाम है? क्या नाम है? Max और Joey. Max और Joey. Very nice. इनके पास भी एक है. एक Dalmatian है और एक Springer Spaniel. अरे वाह. ओह भाई. नहीं आया ना समझ। I love them. कुत्ते भी हम ही रखे हैं इन्होंने. हमारे पास क्या मुश्किल, इतने मुश्किल कुत्ते डालमेशियन यार। डालमेशियन वो जो डॉट्स वाला होता है, मानो पोल्का डॉट वाला, वो लगता है ना उसको दूर से देखो दही बड़े। हम दोनों इतने गरीब लग रहे हैं ना। हाँ, exactly. मैंने पोलका डॉट बोला, तूने दही बड़े बोल दिया। क्या हो गया यार? मैंने कहा भी है भाई, क्लास देख के बुलाए लोगों को। अच्छा भाई, अच्छा चल बे यार, क्या हो गया। अच्छा जी, नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर मॉल? मॉल को जाते हैं, मॉल मॉल जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी मॉल जाते हैं। हाँ, आई हेट ऑनलाइन शॉपिंग। सही है, आता कुछ है, ऑर्डर कुछ करो कुछ और आता है। क्या मंगवाया था आपने? नहीं, मैंने कुछ ही मंगवाया, बच्चे मंगवाते हैं ना कभी। अच्छा, घर में बेगम, तो बाद में खुद ही कंप्लेन करी। देखो अच्छा, पैसे क्योंकि मेरे बटवे से जा रहे थे तो मुझे पता होता कि यार कितने चले गए। क्या मंगवाया था सर दिखाना? वो ऐसे होगा यार, ये मंगवाया। ठीक है, अच्छा जी, आर्ट या फिर हिस्ट्री? बोथ। नहीं नहीं एक प्लीज, ज्यादा पसंद है आप। प्लीज सर, आर्ट। ओके जी, कुकिंग या फिर बीइंग कुक्ड फॉर? कुछ पकाते हैं आप या कुकिंग? तो बिल्कुल भी नहीं, कोई सीन ही नहीं है, कुछ भी नहीं। एक नहीं नहीं नहीं, अंडा वंडा कुछ बना लेता हूं, चाय अंडा वंडा, अंडा बना लेते हैं बस, अंडा वंडा बना, प्रॉपर कोई डिश बेवकूफी बना लेता हूं कभी। चाय बना लेते हैं? चाय ऑफ कोर्स, आई लव। कैसे बनाते हैं चाय? चाय मैं वो बनाता हूं जो जिसके अंदर सब कुछ डलता है, मसाला चाय, अदरक। हां बॉस, ये चाय नहीं है, इसको आपको गलत बताया किसी ने। नहीं भाई, मसाला चाय क्या होती है? मसाला चाय बड़ी मशहूर होती है बेटा, तुम्हें भी नहीं पता? नहीं कसम से पता है, क्या होती है? एक सेकंड, उसके अंदर आप सिनेमन डालते हैं, उसके अंदर आप लौंग डालते हैं, पहले तो बताओ सिनेमन क्या होता है, अदरक डालते हैं, दालचीनी, सिनेमन, दालचीनी, इलायची, सौंफ चाय में। हाँ, ये तो पान होता है एक। नहीं यार सुनो ना बात, उसको आप अच्छी तरह पका लें, इस पानी को पकाया, उसके बाद दूध डाल के आप पत्ती डालें, मसाला चाय इसके पैक। अब मसाला चाय हमारे किसी ब्रांड, यार आप लोगों ने सुना मसाला चाय का? नहीं। वो देखे सब सर हिला रहे हैं, नॉर्मल चाय नहीं सुनी यार, मसाला चाय उन बेचारों को सेट पे चाय नहीं मिली उस वक्त से। हाँ, आप कह रहे दालचीनी, ये मसाला चाय बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में। नहीं तो पीते तो क्या, मीठा मीठा होता है या कौड़ा कौड़ा क्या होता है? नहीं नहीं, मीठा मीठा होता है यार। मीठी चाय होती है? अरे नॉर्मल चाय होती है, मसाला चाय। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इस चीज की बात, चाय के अंदर आप चीनी डालेंगे तो जाहिर है वो मीठी हो जाएगी। नहीं लेकिन आप ये भी तो डालने, दालचीनी तो अदरक, इससे कड़वी नहीं होती, इससे जायका आता है, खुशबू आती है, इलायची डालते हैं ना। और बाय द वे इट हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स आल्सो यार, अदरक जो है वो बड़ा जबरदस्त है आपके लिए, और इलायची और लौंग, ये सब चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत। आपका दवा खाना कब खुल रहा है? इतनी आपने एकदम से मुझे लगा इजाज असलम आए में, एकदम से फीलिंग आई। आप इजाज से पूछ ले, वो कहेगा अरे नहीं भाई नहीं, वो कहेगा ये चाय जबरदस्त है। अरे यार इस चाय में तो तुम ऐसा करो, थोड़ा तो हम लोग नहीं पीते, तो हम लोग टेढ़ी-मेढ़ी चीजें खाते हैं। अच्छा जी, कुकिंग अच्छी हो गया, होस्टिंग या फिर एक्टिंग? Of course, acting. अच्छा, आपने होस्टिंग माशाल्लाह दोनों तरह की, इवनिंग शो भी किया है, मॉर्निंग शो भी किया है। मॉर्निंग शो बहुत कम किया, वो मैंने शायद 1-2 महीने किया था।
नहीं वो ये पता मुझे लगता है कि एक तो जो बेचारे मॉर्निंग शो के जो जितने भी होस्ट हैं उनके ऊपर इतनी तनखीद होती है लेकिन उनका कसूर नहीं है कंटेंट मेकिंग 300 डेज इन अ ईयर इज सो डिफिकल्ट और फिर उनको कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है हालांकि दे वेकिंग अप एवरी डे डूइंग द सेम थिंग एवरी डे और हर बंदे के मुंह लगना है और अच्छा और एक आर्टिस्ट जो है ना मेरा अपना ख्याल है कि आर्टिस्ट कैद नहीं हो सकता आप कैद हो गए यार अब मॉर्निंग शो रुक गए यू कांट डू दैट इट्स आई फील डिग्निफाइड हमारे यहाँ बहुत तनकीद करते हैं तो सबसे पहले तो मैं उस चीज से भागता हूँ जहाँ पे डिग्निटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। सही है, कोई मसले वाली बात नहीं। कैश या फिर क्रेडिट? दोनों मरियम परेरा या फिर कयामत? कयामत। ओके, नीलम मुनीर या फिर मावरा होकेन? नीलम मुनीर। क्यों, मावरा में क्या कमी है यार? मावरा इज अ स्वीट हार्ट एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल वी हैव बट नीलम मेरी दोस्त है बहुत ज्यादा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अली फैजान या फिर इकबाल हुसैन? ये कैसा सवाल है यार, अली फैजान या इकबाल हुसैन? ये इकबाल भाई एक मैं कहता हूँ जन्नती आदमी है, दुनिया में अगर किसी जन्नती आदमी देखना ना तो इकबाल भाई को देख लो। ठीक है, और इकबाल भाई के साथ मेरा दूसरा प्ले है अली फैजान से, मेरा तीसरा और है, मैं आई नेम अली फैजान और है। ठीक है, ये आपने मैनेज करने की कोशिश की लेकिन हमें पता है आपने अली फैजान बोला है, इट्स ऑल राइट। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? किस मामले में यार, दोनों किस मामले में, क्या कह रहे हैं, कौन से मामले पर पंचर लगवाने उनसे आपने? उनके मामले बता दे मुझे फिर। हां वही मैं कह रहा हूं, आपको कौन से मामले पता है? मैं जनरली दोनों हमारे दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, सुपर टैलेंटेड लोग, आप चूज ही नहीं कर सकते। मैं तो करना तो आप मुझे बात बताएं, हमारे जो टॉप पाकिस्तान के टॉप नॉच लोग जो आते हैं ना 7-8 उनमें से ये दोनों हैं, आप कैसे चूज करेंगे? और इतने सुपर टैलेंटेड लोग हैं, आप कैसे चूज करेंगे? अभी बता दो आदि भाई, फहद मुस्तफा या फैसल कुरैशी? यार इतने माशाल्लाह दोनों टैलेंटेड हैं, आप कैसे फैजान, कितने घटिया सवाल आप आज के पूछने लग गए भाई। आप मेरी टीम में नहीं थे? मैंने कभी उधर ज्यादा रेटिंग है यार, आपने पार्टी में दली अमीर आदमी देख के। चलो छोड़ो यार, उन दोनों के लिए, उन दोनों के लिए तो हमें तालियां बजानी चाहिए। बिल्कुल बजानी चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बजानी चाहिए। वो देखो बहुत सा प्यार, वो देखो काशी भाई के हाथ ना हिले, जेलेसी का फैक्टर देखा, हाथ यूं ना किया एक बार, बहुत बुरी बात है यार, शर्म की बात है। दोनों 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 अभी बात आ गई, दोनों अपने अपनी तरह के पाए नहीं रहे किसी ना किसी काम में। फैसल ने आई थिंक वो चीज इन्वेंट की जो बहुत कम एक्टर्स कर पाए शुरू में, जो फैसल जिस तरह रिस्क लेता है वो भी अपने काम में बहुत अलग अलग वैरायटी लेके आता है, ये हर एक्टर नहीं कर सकता। और फहद जो शो करता है उस तरह का शो कोई और नहीं कर सकता। आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया, फिर भी जवाब चाहिए हमें। जवाब ये कि दोनों। अरे यार ये एक हल्का सा बता देंगे, ऐसी दोनों उसने मुझे खाना खिलाया था ना, अब यहाँ कर देते ऐसी कोई मतलब कोई फजूल बात पे कर देंगे भाई। दोनों फहद कपड़े ज्यादा अच्छे पहनता है या फैसल से मेरी दोस्ती ज्यादा है, ऐसी नहीं, 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 नहीं आप ये जो ही चूज नहीं कर सकते। देखिए मैंने कितना मावरा और नीलम का मैंने चूज कर लिया ना, नीलम ये भी है, लेकिन मैं बड़ा फेयर हो रहा हूँ। नहीं ठीक है, आप फेयर तो आप वैसे ही बहुत हैं यार। ये सवाल आप मुझसे पूछ लो भाई। नहीं तुमसे नहीं पूछूंगा, तुमने पहले भी मेरे साथ नहीं दिया था। अच्छा जी, बुशरा अंसारी या फिर सबा फैसल? अरे यार देखा हर दफा याद आ गया, उनको काम है कोई? नहीं नहीं इस सवाल पे किया उन्होंने। काम पे यार, वहां जाना था, मैं यहां का आ गया यार। प्लीज ये सवाल मैं नहीं चूज कर सकता दोनों में यार। ये बहुत आप डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं हसन भाई। डिप्लोमेटिक नहीं, बुशरा आपा तो हमारी सब कुछ है, बुशरा अंसारी जो है जी हम भी लवर फ्रॉम द You know, depth of our heart. Absolutely. और सबा फैसल से भी मेरी बहुत ज्यादा मोहब्बत है भाई। आप तो माशाल्लाह सबसे आपकी मोहब्बत है, ये कैसा सवाल है? It is just a game. It is just a game. चलो आप बताएं, बुशरा आपा, सबा आपा, ये सिर्फ एक गेम है। अच्छा अगर ये पूछ लेते ना कि बुशरा आपा और सबा हमीद, तो मैं फिर भी जवाब दे भाई, बुशरा आपा या सबा हमीद? बुशरा आपा, बस इतनी सी बात थी। उनसे दोस्ती फ्रैंकनेस ज्यादा, बुशरा आपा। ठीक है, डाइन इन या फिर ऑर्डर डिलीवरी? डाइन इन। ठीक है, ये बताइए कि शान शाहिद या फवाद खान? आई थिंक इस दौरे हाजिर में फवाद खान बिल्कुल इज अ बिगर स्टार, और शान भी सुपर स्टार है, तो मुझे तो लगता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। बड़ा एक लीग का डिफरेंस है यार, 20 साल की लीग का डिफरेंस है सर। शान शाहिद कैसे हो आप? ये ऐसा सवाल है कवि साहब या आप?
ये मैं क्या जवाब दूंगा, कोई कंपैरिजन है या कवि साहब या आप किसी जूनियर या नुमान एजाज, इनका क्या मुकाबला? ये बिल्कुल सही बात है, नहीं वो मुकाबला तुम करवा ही नहीं रहे ना, तो फिर क्या मैं दूंगा? अच्छा तुम मुझसे पूछ लो ये सवाल। अच्छा मैं किसको, मैं आप पूछिए क्या मैं ज्यादा किसको पसंद करता हूं दोनों? अरे थैंक यू, चलो मिनट आई थिंक शान हैज मोर वैरायटी टिल नाउ व्हाट आई मोर गाड़ियां नहीं नहीं जाहिर सी बात है वो सही कह रहे हैं, काम उन्होंने ज्यादा किया है लेकिन नाम इन्होंने शान भाई का लिया। ओके वेरी गुड, फेरोज सफारी फवाद खान का जोड़ नहीं है कोई? हाँ जाहिर सी बात है अलग दूर दूर रहते हैं। नहीं नहीं उनका वन पीस है वो। नहीं 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 ही इज टू गुड। फेरोज सफारी या फिर जावेद शेख साहब? शेख साहब। ओके ये बताइए प्लान्स या फिर सरप्राइजेस? सरप्राइजेस। ओके ठीक है। ट्रू लव या इंस्टेंट वेल्थ? True love, of course, जो कि होता मिलता इस तरह से इतना नहीं होता, लेकिन क्यों आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला? ओफ है, सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ सोचेगा नहीं जल्दी बताएं कुछ मिला हो आपको? देखिए एक दो हम जैसे जो सेंसिटिव आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं ना, इनके लिए ज्यादा प्यार भी कम होता है हमेशा। ये आप, मेरा अपना ख्याल है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादा प्यार भी कम होता है। ज्यादा प्यार भी कम बड़ी लिखी बात है भाई, ये तो ऐसी तो नहीं ना मैं पांच पांच को खानों पे लेके जा रहा हूँ तो इसलिए कितनी जबरदस्त बात है, प्यार से पेट नहीं भरता, नहीं भरता, आने दो जितना आ रहा है आने दो, जितना आने दो जितना आ रही है। अटेंड अ पार्टी और होस्ट अ पार्टी? होस्ट अ पार्टी। ठीक है, उधार देके भूल जाते हैं या वापस मांगते हैं? लग रहा उधार आ गया ज़हन में, ये मुझे बल्कि मांगा भी है तो नहीं मिल रहा आपको में उतर आया उधार याद आ गया वो वाला था मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उधार दे के आप भूल जाते हैं तो उसको मेंशन करना जरूरी है। आप भूल गए तो भूल गए, भूल जाते हैं आप, कितना कोई आपको भुला देता है? किसी ने आप वो कहते हैं कि अगर किसी की जरूरत आपसे वाबस्ता है तो ये बड़ी एक मुझे लग रहा आपका बहुत पैसा गया है। नहीं, आपने टिश्यू की कश्ती बनाई है नहीं, नहीं, जलाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बड़े पोजेसिव होते हैं बहुत चीजों के मामले में, पैसा बड़ा दबोच के लोग रखते हैं, रखना चाहिए लेकिन लोगों की जरूरत भी पूरी पूरी करें, बहुत जरूरी है। और अपने आसपास बहुत लोगों को देखना चाहिए कि इनको इस मौके पर जरूरत है तो कुछ कर दे, ये जरूरी है। वेरी नाइस। ये मौत आ रही थी तुम्हें 2000 रुपए मेरा पेट्रोल का भरने में, आज ये होते हैं बड़े भाई। भाई मैं अभी नहीं पहुंचा ना वहां तक, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं फिर तुम्हारी टैंकी सब होते हैं वहां पे, सब होते हैं। हाँ सब पहुंचे होते हैं। कल मैंने इसको बोला 2000 का पेट्रोल है, कहता है यार मेरी बेगम को अभी रिसेंटली कोरोना हुआ है तो 2000 मांग रहे हो, ये कर रहा है मेरे साथ। हाँ भाई हो सकता है ऐसा हुआ होगा, मैंने बोला होगा, मैं किसी और जोन में था मैं मान लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आज मैं आपको सवाल क्यों नहीं कर रहा? मेरे सवाल तो यार ये इतना लीनियंट हुआ है आपसे, मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अरे वाह, और मैं मिनट नहीं लगाता फिर असल में अभी तक कंफ्यूज है कि ये मसाला चाय क्या चीज है, अभी तक उस बारे में सोच रहा है। बिल्कुल सही बात। अच्छा सवाल, नहीं मेरे सादे सवाल है, मुझे ये बताएं कि मीठी पूड़ी या पानी पूड़ी? पानी पानी पूरी। ये बताए सॉक्स जो है वो लंबे वाले पहनते हैं या वो छोटे वाले? छोटे वाले। अच्छा छोटे में कौन सा वाला? छोटे, सबसे छोटे जो नजर नहीं आते, जो नजर ही नहीं आते, ये देख लो, वो देखो नहीं नजर आ रहे ना। ये उन्होंने बताया वो यादक वाले पहनते हैं अभी भी, फुटबॉल वाले। अच्छा अभी मैंने रिसेंटली किसी को पहने देखा जो यहाँ पे, उसने ये आजकल पैंट्स भी ऊंची हो गई, यहाँ से उसका काफी चीजें ऊंची गई, सुपरमैन नजर आ रहा था तो मुझे लगा कि वो सुपरमैन का पूरा वो नजर आ रहा है। ये मजे का सॉक है, आई थॉट मैंने उनको मैसेज करूंगा कहाँ से लिया भाई, मुझे भी वो अच्छा हालत देखी दुनिया में, आप खौफ आता है कि आप दुनिया डे बाय डे इतनी बैड कंडीशन की तरफ जा रही है, वो हमने खुद भी की हुई है, इंसान ने खुद ही किया है, तो इसलिए वो दो तीन एक दो जितने भी हो पल जाए अच्छे, आप इंसान छोड़ के जाएं, उन पे कॉन्सेंट्रेट करना, गुड सिटीजन छोड़ के जाएं, जब आप अल्लाह को मुंह दिखाएं तो आप ये बताएं कि हमने अच्छे बच्चे छोड़े, ये जरूरी है। बहुत आगे की सोची थी इन्होंने बॉस, इसलिए वो एहसन खान है फैजान जी को राजी नहीं क्या मेरी क्या आगे की सोची नहीं हमने आपने आपने इतना सोचा भाई कि मतलब अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये तो अब हमारे है ही नहीं ना, वो आगे की नहीं है ये बात, ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ। सबसे पहली बात लोग भूल चुके हैं बॉस, हमारे एक अंकल बुजुर्ग थे, वो जब घर पे आते थे सब लोगों से किसी मिलते थे तो उन्होंने बचपन से हमने उनको सुनाया बेटा आगे की तैयारी है, तो हम कहते थे किस तैयारी की बात करते हैं, तो वो बच्चों से भी ये पूछते थे और वो बात हमेशा कि आगे की तैयारी क्या है, तो वो कहते दुनिया की अब इतनी तैयारी करें आगे क्या तैयारी करें, तो इसलिए हम हर चीज को कहते हैं दुनिया में बैलेंस करें, इसको भी बैलेंस करें उसको भी बैलेंस करें काम को भी बैलेंस करें, ये
तो हम ये भी तो बैलेंस करें कि आगे भी जाना है यार, इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरीवन हैज टू गो, बैलेंस करें, बैलेंस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। आज भाई बैलेंस करें, कोई सवाल करें, मेरा बैलेंस ही खत्म हो गया था, इतनी मुश्किल बात है। वक्त आ गया, वक्त आ गया, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, बिल्कुल आपने जरा, बल्कि आपने तो कुछ ज्यादा ही सोच समझ के जवाब देना है, मुझे पता है बहुत अच्छे जवाब आएंगे। जी जी, दो आखिरी सवाल मैंने सोचा कहा है, जरा गंभीर वाले, ये आप जागें, इनको याद है, इनको भी पैसे मिल रहे, आपने जरा सोच समझ के जवाब देना है। पहले एक सवाल आदि भाई करेंगे, एक सवाल मैं करूंगा। जी आदि भाई, मैं जो आज सवाल लेके आया हूँ ऐसे भाई आपके लिए, क्योंकि मुझे, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना देखा है आपको और मैंने ये समझा है कि आपका एक्सपोजर जो है, मुझे लगता है वो नई जनरेशन के बहुत काम आएगा। तो मैंने टॉपिक बहुत सारे सोचे, ये वाला टॉपिक का सवाल मैंने इसलिए सोचा कि पूछूंगा कि थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो मैंने कहा लोगों को जानना चाहिए कि एहसन खान एज अ ह्यूमन बीइंग नॉट एज एन आर्टिस्ट क्या सोचता है इस, बहुत नाजुक सा टॉपिक है, पूछते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ ह्यूमन, इन दोनों में से ज़्यादा सही चीज़ कौन सी है, सही नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? लेकिन जरा नाड़ा कस के बांधा हो तो फिर मुश्किल होता है उसको। अच्छा जी, आखिरी सवाल इस सेगमेंट का वो ये है कि आदि या फैजान, और बहुत मत बोलिएगा, इसमें बहुत नहीं है, बहुत मत बोलिएगा, आदि फैजान, फैजान आदि, नहीं भाई, भी नहीं है, फादान फादी सब सुन लिया, दोनों दोनों दोनों, नहीं भाई दोनों भाई, अच्छा मैं बताऊं, एक मिनट जब मुझे पता है लिखा है, जब यहाँ पे लिखने में गैप एंड नहीं है, अरे वाह बड़ी बात, यहाँ पे एंड नहीं दिया आपके शो ने, तो मैं क्यों अलग अलग, ये एक नाम है तो आई कांट चूज, बिकॉज मैं जितना आप लोगों को जानता हूँ यार उसके हिसाब से मैं कैसे दोनों में से अलग अलग। चलो पहली बात तो है कि इन्होंने माना कि हमें जानते हैं नहीं, ये वाला पार्ट मैंने ये नहीं कहा मैं जानता नहीं हूँ, ये वाला पार्ट प्रोमो में लगाएगा, नहीं हमें जानते हैं, वेरी गुड, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं जानता नहीं हूँ, मेरी आप लोगों से मुलाकात अगर देखी जाए तो शायद तीसरी मुलाकात है डिटेल में, आई थिंक सो, उस हिसाब से तो मैं दोनों को ही चूज करूंगा ना, मैं नहीं नहीं देखिए, अच्छा ये आपने कर लिया, आपने जबरदस्ती क्या है, आपने अपना कैरेक्टर कर लिया, नहीं भाई आप हमारा कैरेक्टर है, आपने कर लिया, आपने शान भाई और फवाद भाई पे बहुत लंबी की, आप नहीं माने, फिर आपने कहा कि फवाद मुस्तफा फैसल कर, आपने जवाब ही नहीं दिया इस सवाल पे, तकरीबन मैं आपको बता दूं यार, पहले तो ये अंसारी भी आपने कहा नहीं, पहले तो मुझे पता है मैं किसी को किसी से बेहतर चूज करने में कौन हूँ यार, मैं नहीं बेहतर, तो हमने सवाल ही नहीं किया, बुरा चूज करूं, नहीं हमने दोनों में से बुरा चूज करूं कहा ही नहीं, बेहतर नहीं कहा भाई, एक नाम लेना है आदि, एक स्कोर चल रहा है, नहीं मैं आपको एक हेड्स अप दे रहा हूं, आदि फैजान दोनों, नहीं नहीं हेड्स अप, हेड्स अप, हेड्स अप, आदि फैजान, नहीं भाई नहीं, ऐसे भाई हेड्स अप नहीं होगा, हेड्स अप ये है, नहीं होगा भाई, टेबल उलट जाएगी, होगा नहीं कि हमारे शो पे आए थे मोहिब भाई, ठीक है, मोहिब भाई आए थे हमारे शो पे, उन्होंने ये सेगमेंट और ये सवाल 25 मिनट खींचा था, अच्छा लेकिन जवाब दिया था, मिला क्या जवाब देकर, मिला क्या उनको, मिला था उनको तो अच्छा, या तो कोई डब्बा खुलवाओ, कुछ करो, पर्ची निकलो भाई, एक मिनट एक काम करते हैं, पेन दो, क्या मैं आपको एक सच बात बताऊं, सच बात बताऊं, सुने टेंशन वाली बात क्या है, पेन देंगे, आप जवाब नहीं देंगे अंजुम चली जाती थोड़ी देर में, फिर आप हमसे पूछ रहे होंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बॉस, पेन फेंको, पेन, फिर हमारा मसला नहीं है, के पास पेन है, एसन भाई ने पेन मांगा, पूरा टीवी बंद, पूरा टीवी बंद, पेन देखिए अंजुम जी चली जाती हैं आज संडे, काशी भाई ने पेन दिया काला लिखेगा, अंजुम जी चली जाती हैं, सुबह उनका स्कूल होता है, क्या करने लगे, ये याद तो नहीं करना ना, नहीं नहीं अब इसमें से ये क्या कर रहे हैं, पर्चियां बनाएंगे, मैं बताता हूं, हाँ यार आपने इसको मॉर्निंग शो बना दिया एकदम, अच्छे खासे शो यार, हाथ धो गई, क्या कर रहे हैं, पर्चियां निकाल रहे हैं हमारी, और कह रहे हैं और क्या करूं, और क्या कैसे गुस्सा जज्बाती हो गया हूं, वो चली ना जाए ना, अंजुम जी चली जाएंगी, जल्दी करें अंजुम का छुट्टी का टाइम, उनको घर जाके होमवर्क करना है, अभी समर हॉलीडेज खत्म हुए, देखो यार ये क्या हो रहा है शो में, क्या हो रहा है ये लो एक मिनट अब निकालो, हमें क्या पता आपने एक पे आदि एक पे फैजान लिखा है, क्या पता दोनों पे आदि लिख दिया, दूसरा खोल के देख लेंगे, सिर्फ तीसरी मुलाकात है, मैं कैसे भरोसा कर लूं भाई, ये पेन का शुक्रिया, एक पढ़ा लिखा आदमी मिला है मुझे, नहीं नहीं वो खुद हमसे लेकर, अच्छा जी ऐसे में आप उठाएंगे, बस आप उठाएं, आप उठाएं, हम क्यों उठाएं, नहीं 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 हम नहीं हाथ लगाते, आप उठाना ये, हम किसी के चिचड़ों में हाथ नहीं डालते, क्या वो चेक करो, इन्हीं भी नहीं कर क्या बोला, इन्हीं भी नहीं कर रहे, मैंने कहा हम किसी के चिचड़ों में हाथ नहीं डालते जी, जोर से करे ना, इनी मिनी माइनिंग अच्छा लग रहा था हमें, इनी मिनी माइनिंग नहीं होता, इनी मिनी, हां ये इनी मिनी होता यार, ये निकला अब जिसका भी निकला, अब आप खुद खोल के दिखाए ना, अरे बम थोड़ी उठा ले, हां पीछे हो जा भाई, अल्लाह इज्जत दे आपको, बताएं अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे,
आमीन। और अरे आदि, अरे चलो नाचो। ये देखें, आप देख सकते हैं आदि लिखा हुआ है, डबल ए जी आई इज माय नेम ब्रो। इस चक्कर में इन्होंने शो का फॉर्मेट फाड़ दिया है। अब अगले सेगमेंट में क्या होगा हमें हम अगले सेगमेंट में हम हलीम बनाना सिखाएंगे। क्यों, ये अच्छा तरीका था ना? वेरी गुड। ये किसी और ने नहीं, ये तरीका किसी और ने किया है? नहीं, किसी और। कितने शोज कर चुके हैं आप? मेरे ख्याल 100 हो गए। तो बस फिर ये सोच लें, माशाल्लाह 100 हो गए, कोई जानता नहीं आप। उनको लगा पहला शो अंजुम जी, आप घर जा सकती हैं। हम अपना सपोर्ट नहीं लेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करने आया, उनको सपोर्ट नहीं करने आया। अच्छा अच्छा, मैं तुम दोनों शरीफ भी है लेकिन चालाक भी है, फौरन बात से फिर गए हैं। कंची आंखों का कमाल है जो कि इनकी अपनी है, जैसे इनका रंग अपना है। वेरी गुड हसन भाई, वेल मैनेज्ड। हमारे पास मौजूद है काशी भाई, अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आप फोन में डाउनलोड करके सुन लें, क्योंकि इनसे नहीं हो रहा, क्योंकि इनसे नहीं हो पाता, इनसे अल्लाह की कसम नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है काशी भाई, नहीं नहीं, इनसे जो सिंगर है मतलब क्या हो, नहीं नहीं वो तो हो रहा है, वो कर लेते हैं, मतलब टाइम पे आ जाते हैं, ये कह रहा हूं। आ जाए, इधर आए और यहाँ आके